अंग्रेज चले गए, लेकिन काले और गोरे के बीच का जो अंतर है, जो भेदभाव है, उसे इंडिया में ही छोड़कर चले गए हैं कि ताकि इस विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरा सा सफेदी की चमकार क्या बनते हैं, पोलर बेयर जैसा दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उन्हें अपने सफेद होने पर, गोरा होने पर एक अभिमान हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े हैंडसम इंसान है, इनके सामने किसी की कोई औकात ही नहीं है, जबकि भीतर से ये लोग एकदम से खोखले होते हैं। रेमो डिसूजा किसी पहचान के मोहताज नहीं है, किसी कंट्रोवर्सीज में भी नहीं पड़ते हैं। अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनके सावले रूप और रंग को लेकर कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है और लिखा है कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, क्योंकि लोग उन्हें कालिया और कल्लू कह के बुला रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में यह भी कहा है कि ऐसी बातें उन्हें पहले भी लोग कहा करते थे, लेकिन उनकी मां की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। रेमो डिसूजा ने अपने कैप्शन में लिखा है कि जब लोग मुझे कालिया और कालू कहते थे तो मुझे नफरत होती थी, लेकिन तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि रंग नहीं दिल मायने रखता है, और ये वो गाना गाया करती थी कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तभी से ये गाना मेरा फेवरेट बन गया। अब मैं अपनी वाइफ लिजेल के लिए गाना गाता हूँ। देखिए, पिछले साल रेमो डिसूजा तब चर्चा में आए थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, उनका इलाज वगैरह चला था और उनके लिए दुआएं भी मांगी गई थी। लेकिन अब इस तरह की पोस्ट देखकर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि आज डिजिटल युग में भी बहुत सारे ऐसे नैरो माइंड वाले लोग हैं जिनकी विचारधारा जो है, जिनकी सोच जो है, बहुत छोटी है। वो काले गोरे, लंबे पतले, नाटे मोटे, इन सबसे ऊपर उठकर जा ही नहीं पाते हैं।